भाई देखो, शूट तो वैसे हमारा मात्र 1 घंटे का, पर देखो रात को मैं तो रुक रहा, एक बार शावर लेगा शावर लेगा और फिर नुकर दिया यूं। और हर समय बहुत सारे वादे करके गया था कि भाई जैसे ये शूट पूरा हो मुझे फोन कर दे, मैं गाड़ी से लेने आ जाऊंगा। हमने उसे फोन करा, फोन उठाया ही नहीं। मजे की बात ये है कि हम होटल में सारा शूट का सामान छुपके लेके आए थे। बड़ा भाई अंदर से कह रहे हैं बेटी बहुत बार बार ज्यादा है तो बकरी से ब्याह कर लेना, सोजा बकरी के साथ। अच्छा अनिकेत ये बता, आज कितने पार्सल आए? तीन। और कल कितने आए थे? तीन कल आए थे और 2 महीने पकड़े, और आज बन रही है कड़ी। बस आज जो आज सबसे बड़ा टेस्ट है तुम्हारा भाई, टेस्ट फेल होते ही तो बस ठीक है, अपना हम भी अपना सामान उठा लेंगे, तुम भी उठा लियो अपना, फ्लैट छोड़ के घर चलेंगे। ओ बड़े भाई इजियर, चलो बड़े भाई बाल कटाने चल रहे हैं, वो लुक भी तो लेना है मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाला। वो तो आज ऐसे ही दिलवा के लाऊंगा बिल्कुल, फोटो लेके चलेंगे उसका, फोटो लेकर यही बिल्कुल। हाँ भैया थोड़ा इधर से ये साइड। और भाई पार्सल इतने आ रहे हैं क्योंकि नए फ्लैट का सामान जो है हमने मंगाना शुरू कर दिया, जो भी वहाँ पे डेकोर लगना, क्योंकि स्टूडियो वहाँ पे रेडी हो गया बट डेकोर रेडी नहीं है। और अनिकेत ब्रो, कोई भी सामान पार्सल वाला छुपा के मत रखना, सब सामने होना चाहिए, यहाँ वाली टेबल पे बिल्कुल सामने। नहीं छुपा दो भाई तुम सामान, तुम्हें खुद नहीं मिलता, मुझे तो बाद की बात है। एक बार खोल के चेक करो अभी तुरंत, अत्यंत तुरंत सारी चीजें चेक करो अभी, खोल दो। हाँ कैमरा के पीछे खोल लेंगे, पर खोल दो। वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, अमेजोन को अपना ईमेल आईडी देना, इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही आप ऑर्डर करोगे, सबसे पहले आप पे ऑर्डर का ईमेल आएगा, फिर जब जैसे ही आपका ऑर्डर पैक होगा वो ईमेल आएगा, डिस्पैच होगा वो ईमेल आएगा, आने वाला होगा वो ईमेल आएगा, जब आपके गेट पे खड़ा होगा वो ईमेल आएगा, उसके बाद जब आपके गेट से देके जा चुका होगा डिलीवर्ड का ईमेल आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट 2 मेल छूट गए थे कल बैंक के, कोई बड़ी गया था उस बैंक में, कटिंग वटिंग करा लिया। वैसे लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पता नहीं चला होगा, पता चलेगा भी नहीं यार, कहीं और की कटिंग करे। मैंने कहा था बाल कटवाने जा रहा हूँ, ये तो नहीं बताया था कहाँ के। मौसम बता दे कैसा आज? अरे मौसम बहुत बढ़िया, मतलब आज चुम्मेश्वरी मौसम है, आज हमारा थोड़ा सा बाहर का शूट है तो मतलब मजा भी आएगा बाहर का शूट करने में ना। नहीं तो भाई पिछले दो दिन से हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के शूट छोड़ दे, बाहर निकल के खड़े भी हो जाए, मतलब कल तो लपटे लग रही थी। एक मैंने ना गर्म हवा लिख रखा था किसी स्टोरी पे, तो एक आदमी हूँ कह रहा अब होशियार के लू बोल रहे हैं उसे, मतलब यार बात तो सही है तेरी, पर वो है ना मुझे वर्ड प्ले करना था तो मैंने इसलिए गर्म हवा लिखी थी। क्रिटिक्स जो है ना, यही दिक्कत है क्रिटिक होने का, आप अगर दूसरों पे कॉमेंट करोगे ना तो फिर रेडी रहोगी, तुम्हारे ऊपर मैं किसी को कह भी नहीं सकता ना, तू क्यों कर रहा मेरे ऊपर, वो कहेगा साले तेरा तो पूरा घर चल रहा कमेंट कर करके, लेकिन मैं कमेंट नहीं करता, मैं तो वीडियो बनाता हूँ। और मैं बाल काटने वाले को कितने पैसे देगा उसके आने, छोटी बिस्लरी की बोतल रखी रहा एक ले आऊँ, एटलीस्ट 6 रुपए, 6 रुपए बचा लूँ मैं अपने, ये भी तो थोक में सस्ती पड़ रही होंगी। आजा खाना वाना तो ऐसे ही बना, आजा रील ही बना लिया, कैमरा मैन ही बन जाओ। और यूं कह रहा कमेंट पड़ रहा होगा अनिकेत ब्लॉग पे, क्या कमेंट पड़ा बताइयो आगे एक बार। लक्ष्य सर सास और अनिकेत बहू, मैं कह रहा मैं किचन तो ऐसे ही हमारी तरह संभाल रहा, तो अपना रील ही बनाने लगा हमारे साथ। वैसे यार इस फ्लैट में कोई तो बहुत है, सबका वेट घट गया। अनिकेत कैसा आया था? अनिकेत की उस दिन की राज की वीडियो देखो, इस बात में बड़ा ही मन नहीं बता के कि एक ही बार खाऊं मैं दिन में, मैं कहा भाई देख ले एक ही बार खाऊं। हाँ अरे वो भी कभी आधी रोटी खा ली कभी एक खा ली, यू रह किंग का। आज तो बड़े भाई का मेनली लुक आ रहा, मैं फंस गया मैं इसके अंदर, ये कॉस्ट्यूम ऐसी दे दी यार आज मेरे को कि ऐसे ही है बस मेरे हाथ। ये तेरे लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है जिम हाँ। जाने की? नहीं जिम तो जा रहा हूँ पर वेट कम नहीं हो पा रहा, अभी सिलाई निकलने वाली है और थोड़ी देर में अच्छे से टांग क्यों करने वाले। चलो भाई लाइट्स पैक करो, आज शूट पे जाना लड़कों को। मोटिवेशन इसलिए भी तो है, देखो रोटी मिल गई आपको, मकान भी आपका, कपड़े की मोटिवेशन उसके लिए है। ये तो यही बहुत अजीब लग रही है सर, मैं यहाँ पर वो लिख लूँ क्या फिल्म अबे कहाँ चल दिया बम बम फोड़ने जा रही हूँ भैया। क्या कर रहे हैं बड़े भाई? पूरे 3 मिनट हो चुके शूट करते हुए, लंच खोल लो, टिफिन जो लाए वो खोल लो अचार के साथ। ब्रेक ले वो 15 सेकंड का एक शूट हुआ फ्लैट के अंदर, हमने ज्यादा शूट नहीं किया, मतलब व्लॉग ज्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा लुच्चा ही शूट चल रहा, और अगर वो दिखा देंगे तो कहना सब कुछ ही अनरिवील हो जाएगा, कुछ चीज तो सीक्रेट भी रहनी चाहिए, उसके लिए जनता के अंदर थोड़ी तो क्यूरियोसिटी डालनी चाहिए ना हमें भी, ताकि हम कुछ चंद व्यूज एक्स्ट्रा मार सकें। तो उसमें एक प्रॉप की जरूरत थी, अभी मैं वो लेने जा रहा हूँ, और कुछ पीने का ले लेंगे यार, मैं तो सोच रहा कोल्ड कॉफी ले लूँ। दोपहर में इतनी सारी कड़ी चावल खा लिया आज, शरीर हिलना भारी हो रहा भाई मुझे आज, आ रही आज नींद बहुत तेज। एक बार की बात है जब हम फीफी आईलैंड जा रहे थे थाईलैंड में सुबह, तो सुबह वहाँ नाश्ता था सबके लिए, तो सुबह वहाँ चाय मिल रही, तो ये थोड़ा एक्साइटेड था मजा आ जाएगा, तो चाय लेके गए। और फिर मैंने खाना लगाया, मैं बिस्किट का रैपर फाड़ के रैपर डाल दिया डस्टबिन में, मुझे इसकी थाली का क्लोजअप दिया डस्टबिन में, जरा सामान सर हाथ से इतना खराब था।
अच्छा वो जहाँ हम सुबह घूमने गए थे जब बोट से पहले ब्रेकफास्ट मिला था याद आ गया। वो चाय तो बाहर इंडिया के बाहर गए, यूपी के बाहर चाय खत्म, नॉर्थ इंडिया के बाहर मुझे चाय कभी अच्छी नहीं मिली। ऐसा लगे की अपनी पट्टी के बाहर ही चाय खराब है। यार राजस्थान में याद है बकरी के दूध की जना ऊंट के दूध की, जैसलमेर में बिल्कुल आखिरी होगी वो चाय की दुकान शायद, भारत की आखिरी चाय की दुकान पाकिस्तानी पड़े उसके ऊंट के दूध की दूधी, वो इतना गंदा टेस्ट आ रहा था। कुछ अजीब ही टेस्ट था उसका, वो विराट कोहली का था बता कैसे, गोट है ना, गोट है ना बकरी का तो मस्त हो दूध है, प्लेटलेट्स गिर जाए तो बकरी से भी आ कर लेना, सोया बकरी के साथ सोया बकरी के दूध पिए। अच्छा यही तो बात थी सर, यही देख एक एक आदमी ऐसी बात में इतना अलग हो जा, वहाँ खड़ा हो गया वहाँ चल दिया था अभी अंधेरे की तरफ को, तुम तो बड़े खराब सोच के आदमी इनको, ऐसा है विकांशु इनको भाई मेरा तो आ रहा ब्यास पास, देख रहे कैसे सोच के दोनों दूसरे का नाम कट दें कैमरे के पीछे, तो हम तो कुछ भी बोलते हैं क्या पता चल रहा है, एडिट कर रखी है हमें या नहीं है। कैसे भाई एकदम से मतलब सीधा ही होटल में कैसे पहुंच गए मुझे ये समझ नहीं आया, और ये मतलब महंगे होटल्स देख रहे हो विकांशु भाई, मतलब कॉफी वोफी कॉफी बनाओ यार विकांशु भाई, कॉफी तो हो जाए एक एक मन या नहीं, इसके हाथ की कॉफी अरे उस दिन से साली कॉफी नहीं पी मैंने तो, पीनी है तो रचित भाई। तो अभी जो है एक बहुत तगड़ा शूट होने वाला है, उसके लिए जो है हम काफी सारी लोकेशन चेंज कर चुके हैं, फाइनल लोकेशन ये भी थी, तो मतलब बहुत कुछ मतलब मस्त आने वाला है, मतलब वैसा कंटेंट है, मतलब वीडियो वैसी वाली है, हाई हाई कंटेंट है, ऐसा कंटेंट है ये किसी के चित्रण तभी पे सीख जाएंगे, किसी के तभी पे सीख जाएंगे। एक बार वो और खोल के देखियो फ्रिज में है क्या कुछ, अरे अच्छा दो दो टीवी भी, तो यार हम यूं नोएडा को अंडरएस्टिमेट कर रहे थे कि नोएडा में अच्छे होटल्स नहीं है, बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं नोएडा में, तो चलो होटल तो आ गए बड़े भाई, वो तो बुला लो ग्रिल। अच्छा वो जो खाने वाला कौन सा ग्रिल था भैया, वो भाई देखो शूट तो वैसे हमारा मात्र एक घंटे का, पर देखो रात को मैं तो रुक रहा, व्यू भी ऐसा है मैं तो रुक रहा देखो यहीं पे शूट वूट के बाद क्या घर हम तो यही लेटे हैं स्टूडियो में, ऐसे ही लगवाने मुझे पर्दे डबल, ये देखो अबे अच्छा इधर बोलेंगे, अरे यार भाई बड़ा है तो है। पर सामने कोई कॉर्पोरेट टावर है वो देखता हूँ, यहाँ कुछ गलत सलत काम करते हुए लोगों को, बालकनी भी बढ़िया है, ऐसी चीज लगवाना मुझे अपने घर में, पता करो कौन से कारपेंटर ने लगाया था, दिनेश बड़ी का नंबर लाओ, मंत्री जी लग रहे क्या, अब ऐसा कर लो वोट मांग लो, अब यहाँ पे मुद्दे बता दो, अच्छा जिस सड़क से आए वो अच्छी थी, नालियाँ साफ थी, नहीं वो तो पिछली सरकार की थी ना हमारा तो कुछ, अच्छा अब रहेंगी साफ या नहीं, वो भी तो है, आज मंत्री जी के आवास पर उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, मिलने का ये कुछ दिक्कत तो नहीं कर दी हमने, तीन लोगों ने क्या मंगा दिया, दो थाली करी थी, ये दो थाली है, अरे भाई ये इतनी कैसे है, ये तो ढाका भी आता, ढाका का मन लग जाता आज बुला लेगा ढाका खाना खाने, पर यार होटल में कहना बेकार चीज भी ऐसे शुरू करें, कहना टट्टी खूबी है खुआ देंगे अबे तीन क्या है थाली लेकिन, अभी क्लियर हो गया मैटर, ये जो थाली है ये तीन नहीं, हमने दो ही मंगाई थी तभी इतनी महंगी आई है, ये दो ही आनी थी, तो हम एक नहीं खा रहे, एक वेज मत खोल लो यार, बात तो है दो के साथ जाते हैं है। पी जाएंगे, बड़े भाई का पेट नहीं देख रहा इस टाइम बड़ा भाई अंदर से कह रहे हैं बेटी तो बार बार ज्यादा है बड़े भाई ये सोच रहे हैं अब बचा के छोड़नी पड़ेगी थोड़ी सी बात प्रूव करने को, क्या भाई ज्यादा ही थी पेट रह गया, आज फूड ब्लॉगर ही बन जाएंगे, तो वेज थाली में ब्रो एक स्वीट डिश, एक शायद ये आलू है, एक दाल है, एक पनीर है और चावल है, साथ में एक मट्ठा है, सबके साथ सैलेड है, और नॉन वेज में भैया नॉन वेज में भी दाल और वो जो दूसरी सब्जी है वो सेम है, बस इसमें चिकन है, भाई मुझे लगे जिनके साथ हमारा ऑर्डर मिक्स हुआ कुछ गंदा ही सामान पी रहे थे तो बोलता है बाकी का टाई किधर है, क्या टाई टाई नहीं नान खटाई जो भाई एक बात बताओ, ग्रिल्स के साथ कभी ऐसे होटल रूम में आए, तू आया रे आना चाहेगा मना नहीं कर रहा कोई, अभी दोनों भाई डिस्कस कर रहे थे, बता उधर विकांशु बाहर लेफ्ट में किचन ठीक है, यहाँ बाहर एक ये लिविंग रूम सा बना रखा है, ये बढ़िया बेड, और ये देखिए हाय 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 दिक्कत ही हो जाएगी यार, दिक्कत ही भाई, एक और चीज हुआ करे, ये भी खुल जा पर्दा सा, ये नाचते हुए देख, बताओ अगर देखनी हो ना
यूं कह दिया जाओ बाबू, जाओ बाबू गेट बंद कर लो, एक बार शावर लेगा, शावर लेगा और फिर नुकड़ दिया यूं बाहर से दे रखा, अंदर से कुछ भी नहीं कर सकती बाबू। अच्छा ये चीजें सिखाएगा भाई तू? अब वो भी किसे, अपने से बड़े भाई, अपने बड़े से। तो मैं एक रील देख रहा, लेकिन देख ये सिखाया तुझे अपनी बंदी के साथ, होटल रूम में आएगी भी तेरी बंदी, उसके साथ इतना मस्ती मजाक तो चलेगा। देख 6,000 रुपए में जो चेक इन करेगी साथ में होगी तो बाबू ही ऐसा क्या, इतना मस्ती मजाक नहीं सहने की वो, ये थोड़े दूसरे के लोग आई नारी पर्दा है बाबू। मैं तो आ रहा भाई कल, लेकिन नसीब देख रहा है कैसा, मतलब जो लोग मेन चैनल की वीडियो देख के आएंगे उन्हें पता चलेगा, उन्हें पता चलेगा कि कितना खराब नसीब है। टाइम बाबू के नाम पे वही है, वो कचहरी में रहता है बाबू। पैक अप गाइस, पैक अप। और रे का मन बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, पर मैं रे से यही कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई अपने घर चल के जो नींद आती है वो कहीं नहीं आ सकती, इस धरती पर नहीं आई वो नींद आज। माने बड़े भाई ना माने, बड़े भाई तो रात को 1-1 बजे घर पहुंच जाए अपने। मुझे नहीं अच्छा, मैं भी अपने, मैं अपने बेड पे सोना ही प्रीफर करूँ, और अदरवाइज ऑन अदर बेड आई नीड अ बेड पार्टनर, गुड बेड पार्टनर, नॉट लाइक रे। यार मैं जल्दी उठ गया, इसने आंख बंद हो रही मेरी, मैं रास्ते में गिर सकूं कहीं नहीं, गाड़ी में सोई आराम से, क्या दिक्कत है, सफर काफी लंबा है, सफर काफी लंबा पूरे 10 मिनट का, तो आप बीच में एक नैप ले सको। और हर्ष हमें बहुत सारे वादे करके गया था कि भाई जैसे ये शूट पूरा हो मुझे फोन कर दे, मैं गाड़ी से लेने आ जाऊंगा। हमने उसे फोन करा, फोन उठाया ही नहीं। मैं ठीक है भाई, वो तो एज यूजुअल हमें पता था कि तुम उठाओगे नहीं, तो हमें कैब करके घर जानी है। उसके बाद बड़े भाई घर से भी अपने घर जाएंगे, मतलब यहाँ से हमारा घर 10 मिनट दूर है और हमारे घर से फिर बड़े भाई का घर 10 मिनट दूर है। रात को तो 5-7 मिनट ही लेंगे, वैसे रात को इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मजे की बात यह है कि हम होटल में सारा शूट का सामान छुप के लेके आए थे, क्योंकि जितने भी नॉन वाले होटल्स थे ना, मतलब हमें पहले पता नहीं था, तो जानने वालों के होटल में हमने किसी के से कहा नहीं कि यार हमें मतलब एक ऐसी चीज चाहिए थी होटल में जिसकी बहुत ज्यादा हमें सख्त जरूरत थी, वो होटल में थी नहीं, और जिन जानने वालों के होटल में थी उनसे पूछने का और बात करने का टाइम नहीं था, तो हमने सडनली होटल बुक करा। और यहाँ पे फिर ऐसा रहा कि अगर होटल वालों को आपका पर्पज नहीं पता, तो बहुत सारे होटल्स में कैमरा अलाउड नहीं होता रूम में ले जाना, मतलब लड़कों के साथ फिर भी अलाउ करते हैं, जैसे हम पर्पज बता देते कोई दिक्कत नहीं थी, सब पता चला। ये लड़कों को भी अलाउ ना करें कि पता नहीं साले कभी ये भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दे, क्योंकि ऐसा बहुत सारे होटल्स में हो चुका कि पहले ना ये जो बहुत ही असामाजिक फिल्में जो बनती थी, ये बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में शूट होकर डली हैं ऑनलाइन, तो फिर होटलों ने पूरी गाइडलाइन ऐसी बना रखी कि आप होटल के कॉरिडोर में तो शूट कर ही नहीं सकते, साथ में ऐसे हैवी कैमराज बिना परमिशन के, कोई नॉन ना हो अगर तुम्हारा तो अलाउड नहीं होते। चलो तो उठा लो भाई सामान, हमारा कैब वाला आ गया है, और तुम्हारे भाई ने 30 रुपए ज्यादा खर्च के पता क्या मंगाया, उबर गो सिडान, वो तो तुझे पता ही है विगांशु पैसा कितना है इस मामले में, मेरे पे 30 रुपए ज्यादा फेंक के मारता हूँ ड्राइवर के मुंह पे, मैं सिडान लेके आओ।